मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में विच इज़ पावर्ड बाय सजदेवन यूपीटी कॉलेज तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है छत्तीसगढ़ में अभी आगामी जो भर्ती परीक्षा है वो सत्ताईस अगस्त को जो है आ, महिला परीक्षक का होगा जो कि टोटल चार पदों पर उसकी भर्ती होनी है और ये जो परीक्षा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुल आ, सौ अंक है और सौ प्रश्न हैं और सौ प्रश्न जो है उसमें से पंद्रह जो प्रश्न हैं वो आपके मैथ्स के हैं और पंद्रह मैथ्स प्लस बीस जो है आपके क्या है रीजनिंग के हैं तो टोटल सौ में से पैंतीस जो प्रश्न हैं वो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग लेके जा रहा है तो देखिए क्या है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक uh, हो सकता है और बहुत ही गेम चेंजिंग हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग जिसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है उनके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी हो जाएगा उनका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा तो क्या है मैं आपको आज इस वीडियो में जो है आपके लिए एक लेके आया हूँ मैथ्स के सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन में दिक्कत होते हैं तो ये मेरे कुछ सलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम में सिर्फ महिला परिवेक्षक नहीं व्यापम के सारे एग्जाम्स में चाहे आप हॉस्टल वार्डन का ले लीजिए चाहे आई डी ओ का ले लीजिए चाहे आगे आर्मी रेवेन्यू इंस्पेक्टर ले लीजिए पटवारी का ले लीजिए या तो फिर महिला पर्यवेक्षक का तो ये जो मैथ के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जनरली सारे एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में आप जरूर अटकते हैं और सोचते हैं तो आज मैं जो है एकदम स्पेशल बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया आऊँ सेलेक्टेड स्पेशल ट्रिक के साथ जिसको आप कुछ ही मिनट में कुछ ही सेकंड में जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए चालू करते हैं तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखने भी बहुत खतरनाक दिख रहा है रूट के अंदर में सिक्स प्लस फिर रूट के अंदर में सिक्स प्लस फिर रूट के अंदर में सिक्स टू इन्फेनाइट अब इन्फेनाइट तक जुड़ रहा है क्या होगा आंसर तो हमको लगेगा इन्फेनाइट इन्फेनाइट कुछ आंसर होगा लेकिन देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसान होता है ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना जो है बहुत ही इजी होता है आपको क्या करना है मान लेते हैं लेट मानते हैं लेट रूट एक्स विल बी इक्वल टू रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स प्लस फिर इसके अंदर में रूट सिक्स अप टू इंफेनाइट इन्फनाइट तक जो है रूट सिक्स है उसको मैं क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ तो देखिए यहाँ से भी पकड़े तब भी इन्फेनाइट है और यहाँ से भी पकड़ूँ तब भी क्या है वो इन्फनाइट ही है तो ये जो इन्फनाइट है इसको मैं क्या कर सकता हूँ x इज इक्वल टू ये हो गया आपका रूट सिक्स अब यहाँ से भी इन्फनाइट x तक सिक्स है ठीक है तो उसको भी क्या मान सकता हूँ मैं प्लस एक्स मान सकता हूँ अब देखिए अब मेरा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया ऐसे जो क्वेश्चन है उसको ऐसे ही सॉल्व करना है अब देखिए अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा तो देखिए अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायेयर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अब दोस्तों ये आपका बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक एक है एक वर्ग समीकरण बन चुका है अब इस वर्ग समीकरण को जिसको हल करने आता है वो बहुत आसानी से 10 सेकंड में हल कर लेगा जिसको नहीं आता है वो एक बार सीख लीजिए देखिए इसको हल कैसे करते हैं तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक्स स्क्वायेयर और ये पहला और आखिरी वाले पद को गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायेयर और आखिरी वाला पद है माइनस सिक्स तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण माइनस सिक्स एक्स का स्क्वायर आएगा अब देखो इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं तो बीच में जो पद है बीच में पद क्या है माइनस एक्स उसको ऐसे तोड़ना है कि भाई मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो और एड या सब्सट्रैक्ट करूँ तो वापस माइनस एक्स आ जाना चाहिए तो मेरे पास ये तो बहुत आसान है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स अगर मैं करूँगा तो प्लस माइनस का होगा माइनस थ्री टू सिक्स एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर और माइनस करूंगा तो वापस एक् माइनस एक्स आ जाएगा तो इसको कुछ ऐसे स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब दो 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 का पेयर बना लीजिए और कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों से हाइएस्ट कॉमन क्या निकल सकता है आपका एक्स निकलेगा तो बचेगा कितना एक्स माइनस थ्री इन दोनों से प्लस टू अगर मैं कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा एक्स माइनस थ्री अब देखिए फिर से x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x प्लस टू होल इक्वल टू कितना है आपका जीरो तो अब देखिए एक बार क्या करेंगे इसको पूरा उधर ट्रांसफर करेंगे तो बचेगा कितना x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आता है तीन पहला मान आ गया अब एक चूंकि देखो सिर्फ x को थ्री को आंसर नहीं बोल सकते अपन सेकेंड आंसर भी है तो अब एक बार इसको उधर पूरा ट्रांसफर करेंगे जीरो के साइड तो ये भाग जाएगा जीरो के साथ तो क्या हो जाएगा जीरो बचेगा कितना X 2 आपका कितना, जीरो. तो X कितना हो गया आपका माइनस टू तो ये दो आपके आंसर हैं लेकिन हम हमारे को हमको एक ही टिक मारना है तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है तो प्लस थ्री ऑप्शन अवेलेबल है माइनस टू नहीं है इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या होगा प्लस थ्री तो इस टाइप से जो कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन विद इन अ से जो है अगर आपको मेथड पता है आपको अगर कैसे करना है ये पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो आप बिल्कुल इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन ये है ये भी दिखने में बड़ा ख़तरनाक टाइप का दिख रहा है लेकिन उतना होता नहीं है ठीक है जितना वो दिखता है उतना वो उतना खतरनाक क्वेश्चन होते हैं नहीं बस इसको अपने को स्टेप बाई स्टेप करने आना चाहिए तो देखिए इसमें बॉड मार्क्स का रूल फॉलो होता है तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये डिनोमिनेटर में जो है ठीक है पहले उसको सॉल्व कर लेता हूँ नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिए ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री वन इज थ्री माइनस टू तो थ्री माइनस टू होता है वन तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री तो ये हो जाएगा एट अपॉन नाइन अपॉन वन अपॉन थ्री तो पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ अभी इसको इधर वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ वन प्लस टू अपॉन थ्री को अभी रहने देता हूँ पहले इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये बीच में प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा ये अपॉन के नीचे में और फ्रैक्शन है तो उसको क्या करूंगा मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो हो जाएगा एट अपॉन नाइन डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लीकेशन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल थ्री अपॉन वन तो थ्री वन एस थ्री 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 हज़ार नाइन तो ये आपका हो गया है एट अपॉन नाइन जो है एट अपॉन थ्री आपका बचा है अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा थ्री वन इस थ्री प्लस टू कितना फाइव तो फाइव अपॉन थ्री अब बीच में प्लस का साइन है एट अपॉन थ्री तो ये आपका पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा अभी सॉल्व हो जाएगा तो थ्री आप कैल्शियम ले लीजिए एट प्लस फाइव हो गया आपका ट्वेल्व तो अब कितना बच गया फोर ठीक है तो अब इसको जब पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास कितना बच गया है थ्री फाइव प्लस एट प्लस सॉरी एट प्लस फाइव होता है थर्टीन ठीक है तो ये बच गया आपका थर्टीन अपॉन थ्री फोर नहीं बचा है आठ पांच तेरह थर्टीन अपॉन थ्री तो ये हो गया थर्टीन अपॉन थ्री अब फिर से इन दोनों को लेकर सॉल्व करिए तो ये अब फिर से अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा वन प्लस टू अपॉन थ्री है ये डिवाइड का साइन को हटा के मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल थर्टीन अपॉइन थ्री अपॉन थर्टीन तो थ्री थ्री कैंसल हो गया ये हो गया वन अपॉन वन प्लस टू अपॉन थर्टीन अगेन इसको सॉल्व कीजिए तो थर्टीन वन इज थर्टीन प्लस टू कितना हो गया फिफ्टीन फिफ्टीन अपॉन थर्टीन अब यहाँ पर पूरा क्या आ गया है आपका फिफ्टीन अपॉन थर्टीन अब वन अपॉन फिफ्टीन अपॉन थर्टीन है तो आंसर क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा वन अपॉन फिफ्टीन अपॉन थर्टीन तो जब इसको वापस ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा थर्टीन अपॉन फिफ्टीन रेसी हो जाएगा वैसे ही जैसे इसको कर रहे थे तो ये हो जाएगा आंसर आपका थर्टीन अपॉन फिफ्टीन है ऑप्शन में ए देखिए दोनों ऑप्शन है फिफ्टीन अपॉन थर्टीन भी है और थर्टीन अपॉन फिफ्टीन भी है कन्फ्यूज नहीं होना है सही ऑप्शन का चूज़ करना है तो द ऑप्शन इज आंसर इज थर्टीन अपॉन फिफ्टीन ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटीज ऑफ टू हेमिसफेरिकल वैसल्स आर 6.4 पॉइंट फोर लीटर एंड टू ट्वेंटी वन द रेशियो ऑफ देयर इनर रेडियसिस तो उनके रेडियस का रेशियो देखिए वो बोल रहा है कि दो uh, गोला अर्ध गोलाकार बर्तन है जिनकी क्षमताएं दी हुई क्षमता मतलब क्या होता है वॉल्यूम ठीक है तो वॉल्यूम है ठीक है अब वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर आपको पता होना चाहिए ठीक है लेकिन इसका मैट्रिक अभी बताऊंगा कि दोनों हैमी स्पेर जैसे हेमी स्पियर का वॉल्यूम होता है टू पॉइंट थ्री पाई आर का क्यूब ठीक है अब देखिए एक अगर पहला वाला है हैमी स्पेयर मान लेते हैं आर वन है दूसरे वाले का क्या है आपका टू पॉइंट थ्री पाई आर टू का क्यूब मान लेते हैं ठीक है तो ये आपका है वॉल्यूम तो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कुछ इस तरह से गिवन है देखिए क्योंकि ये लीटर में है ठीक है लेकिन लीटर को अगर मैं मीटर uh, क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो भी रेशियो तो वही रहेगा ठीक है रेशियो जो है कभी चेंज नहीं होता है तो पहले वाले का अपना कितना है 6.4 पॉइंट फोर अपॉन ट्वेंटी तो इसको याद रखिए कि ये लीटर दिया हुआ है और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा सर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा लेकिन जैसे रेशियो की बात आती है तो मैं बता देता हूँ कि रेशियो में चाहे वो लीटर हो चाहे वो मीटर हो वो हमेशा क्या रहेगा जो रेशो है वो वैसा ही रहेगा तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया बच गया कितना आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए तो जाएगा सिक्सटी फोर अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन अब क्यूब जो है दोनों साइड क्यूब है क्यूब अगर उधर ट्रांसफर करूंगा तो किस में बदल जाएगा वो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन तो आपको पता है सिक्सटी फोर चार 16 सोलह सोलह चौका चौंसठ तो वो किसका है चार का क्यूब रूट है डिवाइडेड बाई और छः छः का छत्तीस छः का दो सौ सोलह तो ये सिक्स का है लेकिन अभी भी एक बार और कैंसल होगा तो टू अपॉन थ्री तो द रेशियो ऑफ द रेडियस आर इनर रेडियस टू अपॉइन्ट थ्री टू इज टू थ्री टू अपॉइंट थ्री का मतलब क्या होता है टू इज टू थ्री या दो अनुपात तीन तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट

पाइप सी उसी टंकी को बारह घंटे में खाली कर सकता है तो अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को कितना समय लगेगा भरने में तो देखिए सबसे ख़तरनाक तो यही क्वेश्चन लगता है कन्फ्यूज़ ही हो जाता है आदमी काम एक जैसे एग्ज़ाम में हम ये क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है लेकिन आज के बाद नहीं करेगा देखिए आपको ये समझना है कि इसमें करना क्या है ठीक है इसमें आपको गिवन है टाइमिंग गिवन है कि भैया एक टंकी ए जो है पाँच घंटे में बी जो है छः घंटे में भरता है और मतलब ये प्लस वाला है और सी जो है उसको 12 घंटे में खाली कर देता है एक साथ चालू कर दिया गया तीनों को ठीक है तो कितना घंटा लेगा मैं कुछ नहीं करना है इसमें एकदम आसान है ठीक है ए पाँच घंटे में भरता है तो एक घंटे में वो कितना पार्ट भरेगा उसका वन पॉइंट फाइव पार्ट भरेगा ये एक घंटे में कितना भरेगा वन अपॉइंट सिक्स पार्ट भरेगा और ये जो है एक घंटे में इसका जो काम है वो हो जाएगा वन अपॉइंट ट्वेल्व पार्ट क्या करेगा खाली करेगा अब तीनों को एक साथ ले रहे हैं तो देखिए ए प्लस बी क्योंकि दोनों भर रहे हैं माइनस क्या सी क्योंकि क्या कर रहे सी जो इसको खाली कर रहा है तो ये हो जाएगा वन अप का एक घंटे का बी का एक घंटे में वन अपन सिक्स दोनों का एड किए सी से माइनस कर दिए वन अपंट ट्वेल्व से एलसीएम ले लीजिए तो एल्सीय uh, हो जाएगा पाँच देखिए पाँच छः और बारह है तो आपको पाँच छः और बारह का क्या लेना पड़ेगा एल्सीम लेना पड़ेगा ठीक है तो हो जाएगा आपका टू uh, से कर दो फाइव देखो आराम से स्टेप बाय स्टेप करिएगा हड़बड़ी मत करिएगा ठीक है तो हो जाएगा थ्री ये हो गया आपका फोर फिर से सॉरी टू से कर दिए हाँ टू से किए तो ये हो जाएगा आपका सिक्स ठीक है अब थ्री से कर दीजिए फाइव वन और ये हो गया आपका टू तो पाँच दूनी दस दस या तीस तीस दूनी साठ तो इसका जो एल आ गया दोस्तों वो क्या आया है सिक्सटी अब आप कैसे सॉल्व करेंगे तो ये इसको सिक्सटी करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिक्सटी करने के लिए इसको करना पड़ेगा बारह पंचे साठ तो यहाँ हो गया बारह इसको सिक्सटी करने के लिए दस तो प्लस दस इसको सिक्सटी करने के लिए पाँच तो माइनस पाँच तो बारह दस बाईस पाँच कम कर दो बाईस में पाँच कम करो तो कितना आएगा आपका सत्रह सत्रह बटा साठ पार्ट जो है भर जाएगा एक घंटे में ठीक है एक घंटे में सत्रह बटा साठ पार्ट भरता है तो वो पूरा भरने में तो इसको उल्टा कर दो वापस रेसी प्रोकल कर दो तो जाएगा सिक्सटीन अपॉन जो सेवनटीन आवर लगेंगे उसको टोटल भरने में जैसे देखो पाँच घंटे को एक घंटे में एक बटा पाँच किए थे ना वैसे ही एक घंटे में इतना पार्ट भरेगा तो टोटल भरने में क्या है सिक्सटीन अपॉन सेवेंटीन तो डिवाइड कर दो सत्रह एकम सत्रह इक्यावन तीन घंटा हो गया और कितना बज गया आपका अब नौ नौ बटा सत्रह तो क्या ऐसा ऑप्शन है तीन घंटा नौ बटा सत्रह तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर तो टोटल तो 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 इस टंकी को भरने में इस कंडीशन में कितना टाइम लगेगा तीन घंटा और नौ बटा सत्रह जो है वो भी घंटा ही है ठीक है तो ये आर में है इतना अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था लग रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन होता कुछ नहीं बस आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पाँच घंटा भरता है छः घंटा में भरता है बारह घंटा में खाली करता है तो भैया दो को प्लस करो एक को माइनस करो बस उसका रेसीप प्रोकल ले करना है आंसर आएगा फिर लास्ट उसको फिर से रेसीप प्रोकल करके वापस उसी फॉर्म में ले आना है तो दैट इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक खिलौने के अंकित मूल्य पर तीस रुपये छूट से उसका विक्रय मूल्य तीस रुपये कम हो जाता है तो नया विक्रय मूल्य क्या कीजिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप चाहें तो एक्स लेके बना सकते हैं लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन से देख लीजिए ठीक है इसमें से किसका थर्टी परसेंट करूँ कि तीस हो जाए तो भैया सत्तर का तीस परसेंट करूँगा तो तीस तो होने से रहा इक्कीस का करूँगा थर्टी परसेंट तो इक्कीस का थर्टी तो तीस कभी हो ही नहीं सकता है वन का करूँ तो तृतीय होता है ठीक है इसका थर्टी होता है इक्कीस ठीक है इसका थर्टी परसेंट जो है लगभग छह दशमलव तीन होता है ठीक है इसका थर्टी परसेंट आपका कितना हो जाएगा थर्टी तो अब देखिए एकदम एक ही बार में सीधा ऐसा ऑप्शन से ही आप आंसर निकाल सकते हैं कि सौ रुपये का देखो तीस परसेंट जिसका तीस है मतलब वो सौ ही होगा तभी तो तीस परसेंट उसका तीस होगा तो ये दिख दिखने में थोड़ा लगता है घुमावदार लेकिन बहुत आसान होता है इसको आप विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हो लेकिन अगर यही कि और डिजिट दे दिया जाए कोई और कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया जाए तो आप इसको क्या कर सकते हो मान लेना कि भैया एक्स कोई अमाउंट है ठीक है तो एक्स का थर्टी परसेंट कितना होगा थर्टी अपॉन एक्स इंटू थर्टी एक्स अपॉन हंड्रेड काट दो तो थ्री एक्स अपॉन टेन बज गया तो अगर किसी अमाउंट एक्स में ठीक है उसका थर्टी परसेंट कम कर दिया जाए तो वो कितना हो जाता है तीस हो जाता है तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वापस सौ आ जाएगा ठीक है वैसे ही अब इसके इस फॉर्मूले से आप क्या करो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था अब ये वाला क्वेश्चन जनरली एग्जाम में रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ठीक है तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन में ज़्यादातर जो फॉर्मूला है वो यूज़ होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो चाल का बराबर होता है दूरी बटा समय ये वाला सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो ये आपसे ऐसे वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे ठीक है तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है पहले पढ़ लेते हैं कि एक रेलगाड़ी पहली 300 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है और आगे समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है कुल दूरी के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल देखिए औसत चाल मतलब ये हो जाएगा कि कुल दूरी है ना चाल बराबर आपको पता है क्या होता है दूरी बटा समय तो चाल बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल कुल समय है 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 ना तो भाई देखो दूरी कितना किलोमीटर है। ठीक है। और अगला क्या है फिर से तीन सौ किलोमीटर है ठीक है तो टोटल टो छह सौ किलोमीटर है ठीक है तीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और आगे का साठ जो है साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो समय कैसे निकलेगा देखो तीन सौ किलोमीटर को तीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है तो पहले कितना घंटा चला था वो दस घंटा फिर जब साठ कर दिया तो तीन सौ किलोमीटर करने में कितना लगेगा पाँच और घंटा लगेगा पंद्रह घंटा तो टोटल टाइम कितना हो गया पंद्रह तो छः सौ किलोमीटर को अगर वो पंद्रह घंटे में करता है तो कितना होगा पंद्रह चौंक साठ चालीस किलोमीटर पर आर तो इसकी जो औसत स्पीड है वो कितनी हो जाएगी चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी तो दिखने में बड़ा क्वेश्चन लेकिन सॉल्यूशन बड़ा छोटा है इसका ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन है एक नाव की गति स्थिर पानी में पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे की है वही तीस किलोमीटर नदी की धार के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत गति करते हुए पुनः स्थान पर चार घंटे साढ़े चार घंटे वापस आ जाता है तो नदी की धारा की गति क्या होगी तो देखिए ये क्वेश्चन जो है गति वाला नाव वाला क्वेश्चन है लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बड़ा है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें भी क्या है रिलेटिव स्पीड का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ठीक है कि धारा की अगर दिशा में चल रहा है ठीक है धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में जो चाल होती है धारा की दिशा मतलब धारा का भी चाल और नाव का भी चाल दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा अगर नाव का एक्स है और धारा का वाई है तो एक्स प्लस वाई होगा अब धारा के विपरीत अगर वो चल रहा है या विरुद्ध चल रहा है तो विरुद्ध अगर चलेगा तो अब वैसी बात है नाव के चाल में धारा का चाल कुछ ना कुछ तो अपोज करेगा तो एक्स माइनस वाई तो ये दो चीज़ अगर आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो तो ये आपका चाल हो गया रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं ठीक है अब चाल धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में हो गया है ठीक है अब इसमें जो है ये तो हो गया आपका चाल पहला कंडीशन ठीक है अब आपको और क्या चीज़ चाहिए समय और घंटा तो आप देखिए सबसे पहले एक नाव की स्थिर पानी में चाल जो स्थिर पानी मतलब ये एक्स का मान दे दिया हुआ है पंद्रह तो धारा के दिशा में पंद्रह प्लस एक्स और धारा के विपरीत दिशा में पंद्रह माइनस एक्स है ओके वह तीस किलोमीटर नदी की धारा के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत गति करते हुए पुनः साढ़े चार घंटा में तो जो डिस्टेंस है दूरी दूरी कितना है आपका तीस किलोमीटर गया है और वापस तीस किलोमीटर आया है तो तीस तीस साठ किलोमीटर की इसकी गति है दूरी है और कुल जो समय लगा हुआ है वो है साढ़े चार घंटा तो नदी की धारा की गति क्या होगी ठीक है तो अपने को इस नदी के धारा की गति हमको निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लिखेंगे लेकिन अपने को आ, किसके कंटेस्ट में लेना है टाइम के तो इसको इंटरचेंज कर दो तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी कर सकते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले अगर टाइम टोटल टाइम कितना है साढ़े चार घंटा लिया हुआ है चार घंटा ठीक है तो फोर एंड हाफ या तो इसको चार दो नहीं आठ और एक नौ बटा दो घंटा आप ले सकते हो ठीक है तो टोटल टाइम इतना है मान लेते हैं एक जो है जाने के टाइम जो है लेता है वो कितना टी तो आने का टाइम कितना लेगा जाने का टाइम टी लेता है तो आने का टाइम क्या लेगा नाइन पॉइंट टू माइनस टी इसलिए लेगा क्योंकि देखिए ये एक मान लेते हैं एक समय जो है जाने में समय इतना टी घंटा लगता है तो आज टोटल समय साढ़े नौ घंटा है साढ़े चार घंटा है लेकिन जाने और आने का नहीं दिया है तो इसी हिसाब से हम जाने का ले लेते हैं नाइन अपॉइंट टू माइनस टी तो अब देखते हैं कि इस स्पीड इस फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले अपन धारा की दिशा में चलते हैं ठीक है तो धारा की दिशा में स्पीड या टाइमिंग टी है टाइम क्या लिया हूँ मैं टी डिस्टेंस मेरा थर्टी है धारा की दिशा में क्या है एक्स प्लस वाई या सॉरी फिफ्टीन पंद्रह प्लस वाई यह हो गया समीकरण नंबर एक अब धारा के विपरीत दिशा में देखता हूँ तो विपरीत दिशा में टाइमिंग है नाइन अपॉइंट टू माइनस टी इज इक्वल टू दूरी सेम है थर्टी और अब यह हो गया है फिफ्टीन माइनस वाई अब देखिए समीकरण एक है और यह समीकरण दो है समीकरण एक से जो है आप टी का मान उठा के समीकरण दो में रख दीजिए ठीक है समीकरण एक से टी का मान उठा के आप क्या करेंगे समीकरण दो में रखेंगे तो यह हो गया नाइन अपॉइंट टू माइनस थर्टी अपॉन फिफ्टीन प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो गया थर्टी अपॉन फिफ्टीन माइनस वाई अब ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों ठीक है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि बन जाए जगह ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टीन इसको पूरा देखिए बड़ा आ, लंबा जाएगा इसका सॉल्यूशन ठीक है लेकिन आंसर आसानी से आ जाएगा वाई की वैल्यू जो है बहुत आसानी से आ जाएगी तो अगर आप इसको एज अ होमवर्क कंसिडर करना चाहते हैं तो बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है नाइन अपॉन टू माइनस थर्टीन अपॉन फिफ्टीन प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टी अपॉन फिफ्टीन माइनस वाई तो ये एक इक्वेशन बना हुआ है अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस कुछ नहीं करना है एलसीएम ले लीजिए ठीक है फिर उसके बाद इधर उधर जो ट्रांसफ़र करना है करिए सिर्फ y एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी तो इसको आप अज अ होमवर्क कंसिडर कीजिए आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये दिखता बड़ा है होता काफ़ी छोटा है बस आपको सीधा लास्ट लाइन पढ़ना है कि कितने डॉक्टर कलाकार और खिलाड़ी भी हैं तो डॉक्टर भी कलाकार भी खिलाड़ी भी ठीक है।, है तो भैया डॉक्टर का जो भी है ठीक है कलाकार का और खिलाड़ी का तीनों के अंदर जो आता है वही आपका आंसर होता है ठीक है तो तीनों के अंदर क्या आ रहा है एक साथ तीन ही आ रहा है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका आंसर ज्यादा लंबा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है ठीक है बस अगर दिया हुआ है तो नहीं दिया है तो आपको त्रिभुज को डॉक्टर मार्क करना पड़ेगा आयत को कलाकार और उसको खिलाड़ी फिर जो पूछे तीनों पूछा है तो तीनों में से तीन ही दिख रहा है मुझे ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास अट्ठाईस सेंटीमीटर है एक मिनट में सौ चक्कर लगाता है तो गाड़ी की चाल क्या होगी तो भैया अगर व्यास जो है क्या है अट्ठाइस डायमीटर जिसको बोलते हैं कितना अट्ठाइस सेंटीमीटर है ठीक है थीके? तो मुझे चक्कर लगा रहा है मतलब पहिया कुछ ऐसा होता है तो एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करता है ये पता होना चाहिए पहले मेरे को तो वो कहाँ से पता चलेगा इसकी परिधि से या जिसको बोलते हैं अपन सरकम तो परिधि या सर्कम ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है ये वो होता है टू पाई आर ठीक है जे या फिर इसको टू पाई आर को जो है टू आर का मतलब होता है डी तो पाई इंटू डी भी लिखते हैं डी स्टैंड फॉर डायमीटर ठीक है तो पाई का मान होता है बाईस बटा सात आप सबको पता है और डी आपका दिया हुआ अट्ठाइस तो कर दो ये हो गया चार तो हो गया अठासी ठीक है एटी सेंटीमीटर इसका एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है एटी सेंटीमीटर तो भैया सौ चक्कर लगाने में कितना करेगा तो एटी एट इंटू हंड्रेड ठीक है तो सौ चक्कर लगाने में हो गया उसको 8800 सौ या 8800 सौ सेंटीमीटर तय करेगा अब मुझे किसमें चाहिए आंसर गाड़ी की चाल तो चाल क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस तो पता चल गया है मेरे को टाइम मिनट में चाहिए तो ये एक मिनट में सौ चक्कर लगाता है तो एक मिनट मतलब सबसे पहले अपॉन वन मिनट कर दिए ठीक है अब ये एटी एट सेंटीमीटर इंटू हंड्रेड तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो वापस कितना आ गया अठासी तो अठासी मिनट मीटर पर मिनट तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है बस आपको परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आपका आंसर बन जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन एकदम आसानी से भी नहीं बनता है बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है तो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि जब दो का घात दो हज़ार सत्रह को पाँच विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा देखने में बहुत बड़ा रही दो का घात दो हज़ार सत्रह कैसे निकालूंगा मैं लेकिन पूछ कुछ नहीं पूछ ये देख रहे हो पूछ शेषफल पूछ रहे हैं पाँच से भाग भी देना है बोल रहे हैं तो पहले उसका निकालो दो का दो हज़ार सत्रह बार गुना करो फिर पाँच से भाग दो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है देखिए दो पहले सबके पास से आपको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए ठीक है यूनिट डिजिट क्या होगा तो यूनिट डिजिट या आखिरी संख्या अंतिम जो अंक है वो क्या होगा उसके लिए मेरे यूट्यूब में एक और वीडियो है अब जाके देख सकते हैं यूनिट डिजिट वाला तो अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि अगर 2017 है तो पहले इसको घात को चार से भाग दो तो शेषफल जो बचता है वो क्या होता है शेषफल सिर्फ एक ही बचेगा क्योंकि 2016 भाग चला जाता है एक बच गया अब एक शेषफल है मतलब दो का घात एक तो कितना हो गया आपका ये 2 तो अब इसका जो 2002 दो दो का घात 2017 है उसके इकाई के अंक में सिर्फ 2 आएगा इकाई के अंक क्या होंगे दो होंगे अब मैं अगर किसी भी संख्या को पाँच से भाग देता हूँ ठीक है तो पाँच से भाग दूंगा तो पाँच होगा और दस होगा ठीक है तो अब ये जस्ट दो है लास्ट में ठीक है तो भैया दो मतलब ये हो सकता है बारह होगा बाईस होगा जो भी होगा लेकिन शून्य से तो सिर्फ कितना ज्यादा है दो ही ज्यादा है ठीक है तो इसके यूनिट डिजिट में क्या होगा टू तो ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बन एकदम आसानी से जाता है ठीक है बस आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट में अगर दो आ गया है तो भैया आखिरी का अगर दो है एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले लो अगर मेरे पास पाँच है इसको अगर पाँच से डिवाइड करते हो तो पाँच एकम पाँच ठीक है पाँच शून्यम शून्य पाँच दून्य दस अब बच गया कितना सेसपल कितना बचता है दो तो यूनिट डिजिट में अगर दो है पाँच से डिवाइड करो तो क्या होगा दो ही बचेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए कि किसी वृत्त के आठ बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखाओं की संख्या तो देखो आपको ये वृत्त बना दिया अब इसमें आठ बिंदु है एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ ले लिए ठीक है अब आठ जो बिंदुओं हैं बिंदु है ठीक है थीके? इन आठ बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखाओं की संख्या मुझे गिनना है ठीक है तो ये गिनते बैठे रहूँगा मैं एक दो तीन चार पाँच छ सात चलो एक तो गिर लिया सात लेकिन अब अगले वाले से चालू करूँ तो कन्फ्यूजन चालू हो जाएगा अब इससे चालू करता हूँ पहले वाले से पाँच कर लिया सात कर लिया सात लिख लिया मैं दूसरे वाले से चालू करता हूँ सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः और ये तो आया हुआ ऑलरेडी ठीक है तो देखिए अब यहाँ से अगर ऐसे करते जाऊँगा तो कन्फ्यू एक ही पेन से करूँगा मेरे पास बहुत सारे कलर हैं तो समझ में आ जाएगा कि भैया कैसे करना है ठीक है लेकिन अगर आपके पास एक ही कलर का पेन है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूं कि सबसे पहले वाले के लिए आप देखिए मैंने क्या किया सबसे पहले वाले के लिए सात आठ लाइन है तो पहले वाले के लिए सात पॉइंट से जोड़ूंगा दूसरे को सिर्फ छह पॉइंट से क्योंकि ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है तीसरे वाले को फिर जब इसमें आ जाऊंगा तो दो कनेक्शन बन चुका है तो उसको पांच बार फिर चार फिर तीन फिर दो फिर एक ऐसे तो सात और छह पांच चार तीन ये और कितना हो गया अट्ठाईस ठीक है तो टोटल ट्वेंटी एट लाइन्स जो है यहाँ पे बनेंगे जब आप इसको करके देखोगे अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बिल्कुल घर में जाके प्रैक्टिकल करिए ठीक है ये कुल ऐसे ही जो है ये ऑलरेडी बना हुआ था सॉरी लास्ट वाला नाइन तो ऐसे ही आपको कुल जो है अट्ठाईस लाइन ही मिलेंगे ठीक है लेकिन गिनने में एक आध गलती हुआ तो ऑप्शन चौबीस या छब्बीस आ गया तो फिर गया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये है एक क्वेश्चन कि एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई तो उसने जवाब दिया कि मेरी तीन वर्ष पश्चात की आयु को उसमें तीन गुना करो और उसमें से तीन वर्ष पहले कि मेरी उम्र का तीन गुना करके घटा दो तो आपकी उम्र मिल जाएगी क्यों भाई इतना क्यों चाहिए मेरे को है नहीं करता मैं जाऊँ ठीक है लेकिन क्वेश्चन है तो मुझे करना पड़ेगा ठीक है कि अभी इतना घुमाया है तो मुझे आंसर बताना पड़ेगा कि भैया तीन वर्ष पहले जो है तीन वर्ष बाद है ना तो तीन वर्ष मान लेते हैं भी भी तीन वर्ष बाद मेरी तीन गुना से घटाना है बस इतना ही है अब अब, अब आयु मिल जाएगा तो तीन एक्स नौ ऋण तीन एक्सन ऋण हो गया धन नौ तो प्लस तीन एक्स माइनस तीन एक्स कैंसर नौ नौ कितना हो गया आपका अठारह तो अभी मेरी आयु जो है किस इस भाई की आयु कितनी है अट्ठारह वर्ष की ठीक है तो दिखने में बड़ा खतरनाक लेकिन आंसर एकदम चुटकी में आ जाता है तो ये कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स है दोस्तों और ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप अगर इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मैथ्स के पंद्रह में से सात आठ क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे बाकी मैथ्स मैं बता रहा हूँ गेम चेंजर है पंद्रह क्वेश्चन मैथ्स के हैं और बीस रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगला वीडियो हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे तो ये जो वीडियो है हमारा यहीं तक था थैंक यू धन्यवाद ऑल द बेस्ट